नमस्कार दोस्तों, एपेक्स स्टडीज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट लेक्चर में अपन ने जो मृदा अभिक्रिया थी, या फिर अपन बात कर सकते हैं मृदा पीएच के बारे में अध्ययन किया था। आज का जो अपना वीडियो रहने वाला है, ये मुख्य रूप से अम्लीय मृदाओं के ऊपर रहने वाला है। अम्लीय मृदाओं के कौन कौन से प्रकार होते हैं उनके बारे में रहने वाला है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो रहने वाला है अपना अम्लीय मृदाओं के ऊपर। क्या होती है अम्लीय मृदा, किसको कहते हैं अम्लीय मृदा? देखो, अपन केमिस्ट्री की भाषा में नहीं जाएंगे, लिटमस पत्थर वगैरह के बारे में। अपना जितना मृदा विज्ञान में आता है उतना ही अपन पढ़ेंगे कि जो अम्लीय मृदा होती है किसको अम्लीय मृदा अपन बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन बात करेंगे, अम्लीय मृदा ऐसी मृदा होती है जिसका पीएच 7 से कम होता है। ये सभी लोग जानते हैं, ऐसी मृदा जिसका पीएच 7 से कम होता है अम्लीय मृदा कहलाती है। ऐसी मृदा जिसका पीएच 7 से ज्यादा होता है क्षारीय मृदा कहलाती है। और ऐसी मृदा जिसका पीएच 7 होता है कैसे कहलाती है, उदासीन मृदा कहलाती। जो फसलों का उत्पादन है, अलग अलग पीएच पर अलग अलग फसलों का उत्पादन होता है। सामान्यतः सभी फसलों के लिए उपयुक्त जो पीएच माना जाता है वो 6.5 से 7.5 माना जाता है। वहीं पे अगर अपन दूसरी चीजों के बारे में बात करें इसी पीएच के अलावा, तो जो 6.5 से 7.5 है ये उपयुक्त पीएच तो माना जाता है, लेकिन कुछ फसलें जैसे धान की फसल है उसको हल्की अम्लीय मृदा क्या होती है, अधिक उपयुक्त मानी जाती है। तो धान के लिए अपन बात करें तो 4.5 से 5.5 का जो पीएच होता है वो सबसे अच्छा माना जाता है या उपयुक्त माना जाता है। अब बात करते हैं अपन अम्लीय मृदाओं की। तो अम्लीय मृदाओं के बारे में सब जानते हैं कि ऐसी मृदा जिसका पीएच 7 से कम होता है अम्लीय मृदा कहलाती है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि मृदा की अम्लीयता के लिए जिम्मेदार क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो हाइड्रोजन के अलावा क्या होता है, एल्यूमिनियम आयन भी होता है। तो ऐसी मृदा जिसका पीएच 7 से कम होता है तथा हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम आयन की प्रधानता होती है, क्या कहलाती है, अम्लीय मृदा कहलाती है। कोई भी ऐसी मृदा जिसका पीएच 7 से कम होता है तथा हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम आयन की प्रधानता होती है, क्या कहलाती है, अम्लीय मृदा कहलाती है। नेक्स्ट चीज अपन सेकंड की तरफ चलते हैं। तो जो अम्लीय मृदा के प्रकार हैं, मुख्य रूप से अम्लीय मृदा कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती। कौन कौन सी होती है? पहली जो अम्लीय मृदा है अपनी, वो है आपकी सक्रिय अम्लीयता या सक्रिय अम्लीय मृदा। और दूसरी अपने पास में होती है विनिमयशील, निष्क्रिय नहीं होती है, हमेशा ध्यान में रखना है। दूसरी कौन सी है, विनिमयशील। पहली अम्लीयता कौन सी है, सक्रिय अम्लीयता। तो सक्रिय अम्लीयता किसको कहेंगे, मृदा की ऐसी अम्लीयता जो उत्पन्न किससे होती है, हाइड्रोजन आयन के कारण तो उत्पन्न होती है, लेकिन हाइड्रोजन आयन कहाँ उपस्थित होता है, मृदा विलयन में। कहाँ रहता है, मृदा विलयन में। हाइड्रोजन आयन के मृदा विलयन में उपस्थित होने की वजह से अगर अम्लता उत्पन्न होती है तो इस प्रकार की अम्लता को कहा जाता है सक्रिय अम्लता। ध्यान में रखना है, देखो आपके पास में ये मृदा है, ये मृदा के बहुत सारे कण है, कणों के बीच में क्या है, आपके पास में रंध्रावकाश है। इस रंध्रावकाश में जल और वायु पाए जाते हैं। अगर यहाँ पे इस जल वायु में हाइड्रोजन उपस्थित है और इस हाइड्रोजन से अगर मृदा में अम्लता उत्पन्न हो रही है तो इस प्रकार की अम्लता को सक्रिय अम्लता कहते हैं। अगर ये हाइड्रोजन और आपके एल्यूमिनियम आयन है, ये अगर कहाँ उपस्थित है, मृदा कण की सतह पर उपस्थित है तो उससे उत्पन्न अम्लता, या मृदा कोलोइड की सतह पर उपस्थित है तो उससे उत्पन्न अम्लता को विनिमयशील अम्लता कहते हैं। अब ध्यान लगाना है, समझना है, ध्यान से समझना है, पूरा समझ में आ जाएगा क्यों इसको सक्रिय बोलते हैं, क्यों इसको विनिमयशील बोलते हैं। देखो आपके पास में यहां मृदा कण है बहुत सारे, ये देखो ये मृदा कण है। इन मृदा कण के अंदर अगर अपन देखते हैं तो आपके पास यहाँ पे रंध्रावकाश है। पौधों को मुख्य रूप से ये धना, यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयन उपस्थित होता है मृदा घोल में, ये प्रभावित करता है जो इस कण के उपस्थित ऊपर उपस्थित है। जैसे ये कण है, कण के ऊपर हाइड्रोजन उपस्थित है, ये इतना प्रभावित नहीं करेगा। ये क्या करेगा, सबसे पहले आयन विनिमय की प्रक्रिया के फलस्वरूप कहाँ आएगा,
मृदा घोल में। तो कैसे आएगा, देखो जैसे अपन ने माना यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे मृदा घोल में कैल्शियम सल्फेट, किस में टूटेगा आयन विनिमय की प्रक्रिया में, कैल्शियम में और सल्फेट में। यहाँ पे जो कैल्शियम है वो क्या करेगा, इन दोनों को प्रतिस्थापित कर देगा और कहाँ चला जाएगा, इस कण की सतह पर चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया अपने पास में, कैल्शियम। अब यहाँ पे सल्फेट के बारे में अपन पढ़ेंगे नहीं, तो अपन कैल्शियम की स्टडी कर रहे हैं तो अपन कैल्शियम के संबंध में ही करेंगे। अब मृदा के अंदर क्या उपस्थित है, दो हाइड्रोजन आयन उपस्थित है घोल के अंदर और ये अम्लीयता उत्पन्न कर रहे। अम्लीयता किसकी वजह से उत्पन्न हुई, कैल्शियम आयन के मृदा कण के ऊपर जाने से और हाइड्रोजन आयन के घोल में आने की वजह से। इस प्रकार की जो अवस्था होती है इस अवस्था को बोलते हैं विनिमय, और विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान। देखो कैल्शियम यहां जा रहा है कण के ऊपर और हाइड्रोजन कहाँ आ रहा है, घोल में। तो इस प्रकार की क्रिया को बोलते हैं आदान प्रदान, यानी कैल्शियम यहाँ गया तो हाइड्रोजन घोल में आ गया। जैसे आदान प्रदान क्या हुआ, आपने पैसे दिए तो आपको गेहूं मिल गए, आपने पैसे दिए तो आपको शक्कर मिल गई, ये भी एक प्रकार का आदान प्रदान ही है। ऐसे ही क्या है, कैल्शियम यहाँ गया तो हाइड्रोजन यहाँ गया, आदान प्रदान। और आदान प्रदान को अपन बोलते हैं विनिमय। इस प्रकार की जो अम्लीयता उत्पन्न हो रही है किसकी, कौन सी प्रक्रिया के फलस्वरूप हो रही है, विनिमय की प्रक्रिया के फलस्वरूप। तो इस प्रकार से उत्पन्न अम्लीयता क्या होती है, विनिमयशील अम्लीयता। दूसरी अम्लीयता कौन सी थी, सक्रिय। सक्रिय अम्लीयता ऐसी होती है जो सीधा प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालती है और ये क्या होती है, मृदा विलयन के अंदर उपस्थित होने की वजह से होती है। मृदा विलयन के अंदर क्या होता है, कण क्या होता है, बंधा हुआ नहीं रहता है, कण क्या होता है, खुला रहता है। यहाँ पे ये कहीं भी जा सकता है हाइड्रोजन आयन। तो इस प्रकार की जैसे अपने पास में क्या होता है, कोई भी इंसान होता है कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है, तो उस प्रकार के इंसान को अपन बोलते हैं सक्रिय इंसान। जैसे आपके यहाँ पे बोलते हैं कुछ आवारा लोगों को, ये बोले ये सक्रिय है, इनको पूरे गांव की न्यूज रहती है। क्यों, क्योंकि वो चारों तरफ घूमते रहते हैं। ऐसे क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन फ्री है तो चारों तरफ घूमता रहेगा, इसलिए इनको बोलेंगे अपन सक्रिय। प्रत्यक्ष रूप से ये प्रभाव ढालते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन मृदा विलयन में होगा, दूसरा मृदा कण के ऊपर होगा या कोलोइड के ऊपर होगा, तो ये मृदा घोल में आयन विनिमय की प्रक्रिया के फलस्वरूप आएगा। और इसी प्रकार से आयन विनिमय की प्रक्रिया के फलस्वरूप इसको विनिमयशील अम्लीयता कहते हैं। जो सक्रिय अम्लीयता होती है इस सक्रिय अम्लीयता को मापा जाता है पीएच मीटर के द्वारा, और विनिमयशील अम्लीयता को मापा जाता है बेरियम क्लोराइड प्लस ट्राई इथेनॉल एमाइन। किससे मापा जाता है, बेरियम क्लोराइड और ट्राई इथेनॉल एमाइल। तो अपन साधारण से जो पीएच मीटर से जो जिसको मापते हैं वो कौन सी अम्लीयता होती है, सक्रिय अम्लीयता। अब यहाँ पे दोनों अम्लीयता अपन ने पढ़ ली है, दोनों अम्लीयता से क्वेश्चन आ सकता है कि प्रत्यक्ष रूप से पौधों पर प्रभाव कौन सी डालती है, सक्रिय अम्लीयता, और अपन पीएच मीटर से किसको मापते हैं, सक्रिय अम्लीयता को मापते हैं। अम्लीय मृदाओं में किसकी प्रधानता होती है, हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम आयन की प्रधानता होती है। इनमें पीएच कितना होता है, 7 से कम इनमें पीएच होता है। बाकी नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं जो आपकी इन मृदाओं के निर्माण के कारण हैं, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से अम्लीय मृदाओं का निर्माण होता है, या फिर दूसरी भाषा में अपन बात करें कि कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जिनसे अपन इन मृदाओं को सुधार सकते हैं, तो उनके बारे में भी अपन स्टडी करेंगे, लेकिन उनके बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। आज के लेक्चर को अपन यहीं तक रखते हैं। यहाँ पे ये जो मृदाएं अम्लीय मृदा, इनके बारे में आपके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सी मृदा, या निम्न में से किस मृदा में हाइड्रोजन आयन की प्रधानता होती है, तो किस में होती है, अम्लीय में। और पीएच मीटर से किसको मापा जाता है, सक्रिय अम्लीयता को। आज के लेक्चर को अपन यहीं तक रखते हैं, इसी के साथ अलविदा देते हैं, धन्यवाद।